Hi, in our last video we talked about how to find arithmetic mean for discrete or individual series data. Now in this video we'll talk about how to compute or calculate arithmetic mean for continuous series data. So first of all we'll talk about three methods: direct method, shortcut method, coding method or step deviation method. Humne direct method or shortcut method apne individual series aur discrete series ke liye padha tha. To sabse pehle hum isko dekhte hain, fir hum dekhte hain step deviation method kya hota hai. When we are saying direct method, let's first write down कि हमने discrete series में पढ़ा था कि our mean is equal to summation of fx upon n. हमने ये पढ़ा था. अब हमें पता है हमारा data कैसा होता है. 0 से 10, when we are saying continuous series, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. And यहाँ पे हमारे पास frequencies होती है, that is maybe 1, 2, 4, 2. एनीथिंग. अब हमारे को यहाँ पे हम अगर चलो हम यहाँ पे भी एक एक्स को रिप्रेजेंट करते तो हम क्या क्या एक पर्टिकुलर वैल्यू हम फॉर दिस क्लास इंटरवल्स एक्स के हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे. वी डोंट हैव एनी वैल्यू. तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली इन क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यूज ले लेते हैं. दैट इज 5, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, राइट. तो हम उसको डिवाइड कर देते बाई 2. तो जो हम ये कह रहे हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज आर मिड वैल्यू. और हम क्या करते हैं, बस मिड वैल्यूज को लेते हैं जो हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी पर्टिकुलर क्लास वीडियो को रिप्रेजेंट करते हैं. एक है इट्स 5, देन इट्स 15, 20 प्लस 30 इज 50, डिवाइड बाई 2 इज 25 एंड देन 35. अब एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि हमारा टू कैलकुलेट दिस वी नीड कि जो हमारी जो सीरीज है इट शुड बी एक्सक्लूसिव टाइप एंड नॉट इंक्लूसिव टाइप. हम कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं हमें एक्सक्लूसिव टाइप सीरीज चाहिए होती है. तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास हमने मिड वैल्यूज ली तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, समेशन एफ एक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं, एम अपॉन एन. तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन एन. तो हम बस एक्स की जगह पर अपनी मिड वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं एंड दैट इज़ आर डायरेक्ट मेथड. तो बस दोनों इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में यही डिफरेंस हुआ कि हम एक्स की जगह पे एम मिड वैल्यूज रख देते हैं, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट शॉर्टकट मेथड. वी नो कि हमारा क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन. अब हमें पता है हमारा ए इज आर रिज्यूम्ड मीन, मतलब हम कोई भी एक मीन जो है अपने डेटा में से एज्यूम कर लेते हैं. सपोज वी हैव दिस इज आर डेटा, तो हम क्या करते हैं, हम पहले मिड वैल्यूज निकालते हैं एम और उस एम में से ही हम कोई एक रिप्रेजेंटिंग मिड वैल्यू यूज चूज कर लेते हैं. जरूरी नहीं हम इसी में से चूज करें, हम कोई और भी चूज कर सकते. हम एज्यूम कर रहे हैं कि ठीक है दिस इज आर मीन, सो दिस बेसिकली एन एज्यूम मीन. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आर एजम्पशन, बट जनरली वी ट्राई टू मेक एजम्पशन कि हमारा एज्यूम मीन इस डेटा या सीरीज में से ही कोई है, तो मेगा कैलकुलेशन ईजी क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो आ जाते हैं. देन दिस एन इज आर समेशन एफ. अब हमें पता है हमारा डी एक्स अब तक क्या था, एक्स माइनस ए. बट अब हम लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स ले रहे हैं तो वट डू वी नीड नाउ, अब हम इसको क्या कर देते हैं, एम माइनस ए, क्योंकि हम हमारा जो एक्स है दैट एम इज रिप्रेजेंटिंग आर एक्स, आर एक्स इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एम. हमारी मिड वैल्यूज हम 0 टू 10 के इंटरवल को क्या लिखेंगे एक्स में, हम उसको एम लिख देते हैं, सो दैट इज अ मिड वैल्यू. तो हमारा डी एक्स अब ये बन गया. सो देयरफॉर व्हाट वी आर सेइंग कि हमारा फॉर्मूला इज सेम एक्सेप्ट कि डी एक्स में हमने एक्स की जगह पे एक रिप्रेजेंटिंग वैल्यू फॉर दैट क्लास इंटरवल ले लिया, दैट इज आर एम. ठीक है, अभी हमें पता है इक्वल होगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ए प्लस अब समेशन एफ डी एक्स क्या हो गया, मतलब एफ वन एम वन माइनस एफ वन ए प्लस एफ टू एम टू माइनस एफ टू ए एंड सो ऑन. तो जो हम इसको खोलते हैं हमारे पास क्या आता है, अपॉन दिस होल अपॉन एन. तो हमारे पास ये क्या आता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ एम अपॉन एन, अगर हम ये सारी वैल्यूज ले लेते हैं तो. और उसके बाद क्या बचता है हमारा, माइनस ए इंटू समेशन एफ बाय एन. तो हमारा बचा क्या, विच इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन एन. तो हमें पता लग गया कि इट इज सिमिलर टू आर मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड. अब हम देखते हैं कोडिंग मेथड और थर्ड मेथड, जो कोडिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी,
When we were saying direct method or shortcut method, that was the method जो कि हमने individual series और discrete series के लिए भी use किया. और continuous series और discrete series का formula almost same है, except for the fact कि वहाँ पे x की जगह पे m लिख देते हैं, हम mid values ले लेते हैं. But a step deviation method या फिर coding method वो method है जो कि हम use करते हैं सिर्फ continuous series के लिए. अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों कि हम इसको सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए यूज करें. पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला इज मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई. अब हम देखते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है. ये हमारा ए इज अगेन एज्यूम मीन, आर एन इज समेशन एफ, I क्या होता है कॉमन फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे सारी सीरीज को, सारे m f f d dash x को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे I से. एंड हम देखते हैं हमारा d dash x क्या होता है. व्हेन आई एम सेइंग d dash x तो फिर मैं क्या कह रही हूँ सिंपली कि मेरा d dash x इज इक्वल टू m माइनस a अपॉन. तो मैं क्या कर रही हूँ इस बेसिकली मैं अपने डी एक्स को आई से डिवाइड कर रही हूँ. अब क्योंकि मैं सारे डी एक्स को आई से डिवाइड कर रही हूँ इसलिए मैं सारे डी एक्स को यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई भी करूँगी. तो फिर इसलिए हमारा ये मेथड सिमिलर टू आर प्रीवियस शॉर्टकट मेथड. अभी हम देखेंगे वो कैसे. बट आई क्या है यहाँ पे, इट्स अ कॉमन फैक्टर जिससे मैंने अपने सारे डी एक्स को डिवाइड कर दिया, उस पर मैं एंड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ. जनरली जो आई होता है हम अपने क्या लेते हैं क्लास साइज. दिस इज बेसिकली डन टू मेक आर कैलकुलेशन क्वाइट ईजी. हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है. लाइक हम यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे थे तो फिर अगर हम उसको फाइव अगर हम उसको डिवाइड बाई आई कर देंगे तो हमारी कैलकुलेशन विल बिकम वेरी ईजी. हम सिर्फ उसी के वजह से हम इसको आई से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं. अब एक बार हम देखते हैं कि हाउ इज द स्टेप डिविएशन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड सिमिलर. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मैंने क्या किया. ए प्लस समेशन मैं खोल देती हूँ चलो पूरा a प्लस एफ डी डैश एक्स वन अपॉन एन इंटू आई प्लस समेशन प्लस एफ टू डी डैश एक्स टू अपॉन एन इंटू आई एंड सो ऑन. हमने क्या किया तो हम ये कर रहे हैं तो अब इसको आई एम जस्ट रिमूविंग इट नाउ. सो हमें पता है कि दिस इज सिमिलर टू ए प्लस एफ इंटू डी एक्स अपॉन आई इंटू आई अपॉन एन प्लस F1, this is our F1, this is our X1, F2, dx2 upon I into I by N. मैंने क्या किया सिंपली डी डैश एक्स को मैंने डी एक्स में कन्वर्ट किया. हमने पहले देखा था कि डी डैश एक्स सिंपली डी एक्स बाई आई तो मैंने सिंपली इसको कन्वर्ट किया. तो मैं क्या देख सकती हूँ जस्ट रिमूविंग दिस ऑल. अब दिस इज क्वाइट क्लियर ना कि मैं ये देख सकती हूँ कि दिस इज सिमिलर टू ए प्लस मेरा ये आई और ये आई कैंसिल समेशन ऑफ एफ डी एक्स बाय एन. सो दिस इज सिमिलर टू आर शॉर्टकट मेथड. तो हमारे तीनों मेथड्स इक्वल है. अब हम देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फॉर दिस. लेट्स अज्यूम दिस इज द डेटा दैट इज गिवन टू अस 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 एंड दीज आर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज. अब हम सारे मीन्स इसी पे निकालेंगे. पहले हम तीनों के फॉर्मूलाज लिखते हैं ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए. पहले हम डायरेक्ट मेथड से शुरू करते हैं या फिर डायरेक्ट मेथड राइट. व्हेन आई एम सेइंग डायरेक्ट मेथड माय फॉर्मूला इज मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम अपॉन एन. अब इसलिए हमें क्या चाहिए पहले हम वी नीड इज एम. तो विल राइट डाउन द एम्स दैट इज 5, 15, 25, 35, 45, 55. ठीक है. अब हमारे को क्या चाहिए एफ एम तो एफ इंटू एम.
एफएम में क्या हो गया मेरा, 5 × 4 = 20, 6 × 15 = 90, 20 × 25 = 500, देन वी हैव इज 10 × 35 = 350, 7 × 45 = 315 एंड 55 × 3 = 165. दिस इज आर एफएम. अब हमें क्या चाहिए, समेशन एफएम. समेशन एफएम का हम क्या करेंगे, विल सिंपली ऐड दिस एंटायर कॉलम एंड इसका सम क्या आएगा, 1440. तो ये क्या हमारा, ये है हमारा हमेशा समेशन एफएम. अब इसके अंदर हम लोग क्या चाहिए, एन. एन क्या हमेशा हमारा समेशन एफ, वो क्या आ रहा है हमारा 50. एडिंग ऑल दिस वी गेट 10, 20, 30, 40 एंड दिस इज 50. सो सिंपली राइट के हमारा फॉर्मूले में क्या आया, 1440/50 विच इज इक्वल टू 28.8. सो हमारा क्या हो गया ये, दिस इज आर मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड. नेक्स्ट लेट्स सी शॉर्टकट मेथड. अब शॉर्टकट मेथड का हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, शॉर्टकट मेथड, राइट. सो मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन. अब हमें ये देखना है इसके अंदर हमें क्या चाहिए, ए. सो हम इसके अंदर ए एज्यूम करते हैं. सो लेट्स एज्यूम ए टू बी 25. दिस इज आर ए, सो हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 25 प्लस. अब मेरे को क्या चाहिए, समेशन एफ डी एक्स. एफ डी एक्स के लिए पहले मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा डी एक्स का, विच इज इक्वल टू वॉट, डी एक्स इज इक्वल टू एम माइनस ए. तो मैं एम माइनस 25 करूँगी, लाइक 5 − 25 इज −20, देन इट्स −10, देन इट्स 20 − 25 − 25 = 0, 35 − 25 = 10, 45 − 25 = 20, 55 − 25 = 30. डी एक्स आ गया मेरे पास. अब मुझे क्या चाहिए, एफ डी एक्स. तो मैं सारे डी एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर दूँगी उनकी फ्रीक्वेंसी से, लाइक 4 × −20 = −80. पहले हम लिख देते हैं एफ इंटू डी एक्स, देन वी हैव इज −10 × 6 विच इज −60, देन वी हैव इज 0, देन वी हैव 10 × 10 = 100, 20 × 7 = 140, 13 × 3 = 90. देन वी नो कि हमारा समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स क्या आएगा, 190, राइट. तो हमें अभी क्या चाहिए, हम इसमें सिंपली पुट कर देंगे 25 + 190 अपॉन एन क्या है इसमें हमारा 50. सो दिस इज 25 + 190/50. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे अगेन विल गेट इज 28.8. सो इससे क्या है हमारा शॉर्टकट मेथड. हम देख रहे हैं शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड से हमारा आंसर हमेशा सेम आता है. अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड. व्हेन आई एम सेइंग स्टेप डेविएशन मेथड, हम अगेन इसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, उस पर हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए टू फाइंड द आंसर. सो मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई, राइट. सो दिस इज आवर फॉर्मूला, राइट. हमें पता है कि हमें क्या क्या चाहिए, तो क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, डी डैश एक्स. उसके लिए हमें पहले आई चूज करना पड़ेगा. हमने पहले बात की थी जनरली हम आई को क्या चूज करते हैं, क्लास साइज. तो हेयर आर क्लास साइज इज 10, तो हम इसको वापस 10 एज्यूम करते हैं. एंड एज्यूमिंग कि हमारा एज्यूमेंट पहले जैसा सेम है, दैट इज 25, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने पिछले बार 25 चूज किया, तो हम 35 भी चूज करेंगे, हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा 25 प्लस. अब समेशन एफ डी डैश एक्स, तो पहले हमारे को क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, डी डैश एक्स, राइट. और डी डैश एक्स क्या होता है हमारा, एम माइनस ए अपॉन आई. तो एम माइनस ए मतलब डी एक्स अपॉन आई, सो इट बिकम्स सिंपली आर −2, देन इट्स −1. डी एक्स को हम सिंपली आई से डिवाइड कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3. उसके बाद हमें क्या चाहिए, एफ डी डैश, एफ डी डैश एक्स
अब एफ डी डैश एक्स कैसे निकलेगा, हम सिंपली जो हमारा डी डैश एक्स है उसको फ्रीक्वेंसी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट टर्न्स आउट टू बी -8 -6 0। क्या किया हमने, या तो सिंपली एफ डी डी एक्स को आई से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं अपने डी डैश एक्स को हम अपने फ्रीक्वेंसीज एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ विल गिव अ सेम रिजल्ट। सो नाउ दिस इज 0, देन दिस बिकम इज 10, उसके बाद हमारा ये आता है 14, फिर हमारा आता है 9। हमारे को क्या चाहिए, इसका सम चाहिए टोटल, विच इज 19। दिस इज आर समेशन एफ डी डैश एक्स, राइट, लेट मी राइट डाउन, दीज आर माई टोटल कॉलम, ठीक है, हम इसमें डालेंगे 25 प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स क्या है मेरा 19, राइट, एंड मेरा एन क्या है 50, इंटू मेरा कॉमन फैक्टर क्या है 10, विच अगेन टर्न्स आउट टू बी 28.8। अब देखो ये जो फॉर्मूला इसका और इसका हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे क्या आ रहा है, इक्वल सेम आ रहा है, इट्स 190 अपॉन 50 25, तो हमारी वैल्यू सेम आ रही है, राइट। सो दिस इज हाउ वी फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द कॉन्टिन्यूस सीरीज यूजिंग ऑल द थ्री डेटास, ऑल द थ्री मेथड्स। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस। अब ओपन एंड क्लासेस कौन सी होती है, जिसकी या तो हमारे पास लोअर लिमिट नहीं होती या अपर लिमिट नहीं होती, लाइक इसके अंदर बिलो 15 एंड अबव 60, इसमें बिलो 10 एंड अबव 100। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको क्लोज एंडेड क्लासेस बना देंगे। कैसे, हमें पहली वाली, पहले हम देखते हैं कि इन सबका क्लास साइज कितना है, इसका कितना है 15, आई मीन 30 माइनस 15 इज 15, क्लास लेंथ जो है 45 माइनस 30 इज अगेन 15, 15। हमने देखा क्योंकि सबके 15 है तो हमारी जो फर्स्ट वाली सीरीज है उसको भी हम उसमें 15 कर देंगे, तो बिलो 15 को हम क्या बना देंगे 0 माइनस 0 टू 15, या फिर हम क्या करेंगे सिंपली 15 में से 15 माइनस करना दैट इज 0, सो दैट विल बिकम आवर लोअर लिमिट, सो 0 टू 15। एंड अबव 60 वाले को भी क्या करेंगे 60 टू 60 प्लस 15 विच इज 60 टू 75। एंड उसके बाद जो हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे अगेन वी विल टेक अ मिड पॉइंट एंड सिंपली फाइंड द अरिथमेटिक मीन। नाउ वी विल टॉक अबाउट नाउ द सेकंड सीरीज। अब इसके अंदर हम सबके पहले क्लास लेंथ देखते हैं, पहले की 20 then turns out to be 30, 60 minus 30, 100 minus 60 is 40। हम देख रहे हैं 10-10 का इंटरवल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 10 पहले होना चाहिए यहाँ पे, एंड दिस इंटरवल शुड बी 50। तो हम क्या करेंगे, बिलो 10 मतलब 10 माइनस 10 विच इज 0 टू 10, देन इज अगेन 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, सॉरी 0 टू 10, देन 10 टू 30 जो एज इट इज हम वही लिख देंगे, 30 टू 60, 60 टू 100। अब 100 के अंदर क्या है, 50 ऐड करना है, तो 100 टू 100 प्लस 50 इज 150, 100 टू 150 हमारे अभी नई सीरीज बन गई। सो दिस विल बी आ अनदर केस, अनदर फॉर्म ऑफ डेटा फॉर विच वी वुड हैव टू फाइंड अरिथमेटिक मीन। तो हमने सिंपली ये कन्वर्ट किया, उसके बाद एम यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आए, हम इसके अंदर आए एक पर्टिकुलर क्लास साइज तो नहीं यूज कर सकते, तो दैट आई इज अ कॉमन फैक्टर, हम अपनी मर्जी से कोई भी इसके अंदर क्लास साइज चूज कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर 10 ले लेंगे बिकॉज इट्स द स्मॉलेस्ट गैप, बट अदरवाइज इट्स अप टू अस, हम कोई भी क्लास लेंथ यूज कर सकते हैं। अब जनरली इस तरीके का डेटा जहाँ पे क्लास इंटरवल्स यूनिफॉर्म नहीं होते, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी शुड जनरली प्रेफर टू फाइंड मीडियन इंस्टेड ऑफ मीन, बाकी इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा एंड द पर्पस फॉर विच वी आर फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन। सो इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा और कॉन्टिन्यूस सीरीज, and then how to find arithmetic mean for the open end classes, क्योंकि वो it's similar। अब हम next video में पढ़ेंगे about the mathematical properties of arithmetic mean, right? I hope you like this video, please subscribe this channel for more videos, thank you।